मैं इस समय अलीराजपुर में हूँ और यहाँ पर सीए के सपोर्ट में एक बड़ी रैली निकली है। इसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी शिरकत की है और काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि उनकी नाराज़गी या सपोर्ट किस बात को लेके है। पहला सवाल, सीए है क्या आपके हिसाब से? क्या है नागरिकता संशोधन बिल? मतलब अगर आपके पास आधार कार्ड है, आपके पास पूरी नागरिकता है इस देश में रहने की, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत है नहीं। पहली बात, हम तो सपोर्टर है, पर जो विरोधी है उनको किस बात का विरोध है, उनको डर क्या है, तो वो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। पहली बात तो ये कर रहे हैं। उसके बाद आप भारत की संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या गलत है इस बिल में, पहले तो वो बताने की ज़रूरत है। उसके बाद हम संशोधन पर बात करना चाहेंगे। वो कह रहे हैं कि इसके बाद NRC आएगा और NRC आने के बाद जो ऐसे मुस्लिम हैं जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है उनको आप बाहर निकाल देंगे। हाँ, तो क्या गलत चीज़ है वो? आप आपकी नागरिकता ले लो और रहो यहाँ पे। बहुत से मुस्लिम विदेशों से यहाँ आकर अपना जत्था जमा रहे हैं, वो अपना आधार कार्ड और कुछ भी नहीं बना रहे। हम चाहते हैं कि वो भारत में रहना चाहते हैं तो अपना आधार कार्ड सब कुछ मतलब भारत के पक्ष में दे, तो यहाँ पर रहे आराम से। अच्छा, आपको क्या लगता है कि क्या बात नहीं करनी चाहिए थी सरकार को, पहले समझाना नहीं चाहिए था? देखो, सबसे पहली बात तो ये कि जब नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने एक ही बात कही थी, सबका साथ सबका विकास को लेकर हम लोग इस सरकार के लिए चलेंगे। सरकार ने ऐसी कोई बात इस नागरिकता संशोधन बिल के अंदर नहीं कही है कि जिससे इस भारत के नागरिक को नुकसान हो। ये जितने भी लोग हैं ये ऐसे लोग हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं। आज भी देश में इतने अधिक लोग जो विरोध कर रहे हैं, यही नहीं पता है कि नागरिकता संशोधन बिल के अंदर इसका विरोध हम क्यों कर रहे हैं। उन्हें ना तो इसका ज्ञान है ना कुछ भी नहीं है। मैं तो जो विरोध कर रहे हैं, मैं तो उनसे पूछना चाहता हूं कि आप लोग उनको ज्ञान क्यों नहीं दे रहे कि नागरिकता संशोधन बिल है। मेरा यही सवाल है कि सरकार ने ज्ञान क्यों नहीं दिया? सरकार ज्ञान दे रही है। ये लोग जो है, जो ये उत्पाद कर रहे हैं, उनको इस देश से लेना देना नहीं है। वो आज भी इस देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उसको इस देश से कोई लेना देना नहीं है, बस वो अपनी राजनीति रोटियां सेकने का काम कर रही है। अच्छा, जामिया मिलिया में या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में या शाहीन बाग में जो प्रदर्शन हो रहा है, बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक महिलाएं जटी हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? गुमराह करने का प्रयास है। सीधी सी बात है कि आप भारत के नागरिकों को या अपने जो कास्ट बोल सकते हैं, रीजनल बोल सकते हैं, उनको आप गुमराह करने का काम कर रहे हैं। पहली बात है कि कुछ गलत हो रहा हो, अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा हो, आपके पास नागरिकता होने के बाद भी आपको अगर इस देश से बाहर निकलने को बोल रहे हैं, तो उसके लिए हम बिल्कुल तैयार खड़े हैं। बाकी बिना किसी वजह के आप हंगामा कर रहे हो तो वो गलत चीज़ है। आप बताइए, बड़ी रैली थी, कितना नाराज है अलीराजपुर या समर्थन में? हजारों की संख्या में आज जन समर्थन जो उमड़ा है वो हजारों की संख्या में था और इसके हम असंख्य है, जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं। हजारों, आपने देखा होगा, आपने पूरा कवरेज किया है आज कितना जन समर्थन उमड़ा है। मैं इस आपके लिंक वीडियो चैनल के माध्यम से मैं सभी देशवासियों से अनुरोध करता हूँ कि ये जो बिल है ये देश हित में बिल बनाया गया है, और जो विरोध करने वाले उन्हें भी मैं कहता हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र भाई मोदी और गृह मंत्री अमित भाई शाह ने आपको संसद में भी कहा और मीडिया के माध्यम से भी कहा है कि इस बिल से किसी को कोई नुकसान नहीं है। यह बिल उन लोगों के लिए बनाया गया है जो वास्तव में पीड़ित होकर भारत में आए हैं, उनके लिए बिल बनाया गया है। और बात NRC की आती है तो NRC में जो घुसपैठिए है उन्हें तो भारत की सरकार बाहर जरूर निकालेगी और हम उनका पूरा समर्थन करते हैं। जो लोग घुसपैठिए हैं उनका बाहर निकालेंगे, लेकिन जो भारत के नागरिक है उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने भी यह कहा है कि जो भारत का नागरिक है उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, वो सुरक्षित है, वो देश के नागरिक है, उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना आज इस अलीराजपुर के अंदर CA का समर्थन इस हिंदू परिवार ने, जितने भी हिंदू परिवार ने किया है, अगर इस देश की सरकार को मैं बोलता हूँ NRC लाइए, इससे ज़्यादा समर्थन में लोग सड़कों पर उतरेंगे। इस देश हित के लिए अलीराजपुर इस प्रधानमंत्री के साथ हमेशा खड़ा है। आप कुछ कह रहे थे? हम कह रहे थे कि हमारे संत ने अभी कहा है कि जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, हम भारत के लोग तो यही चाहते हैं कि पूरा देश पूरा विश्व सुखी रहे, समृद्ध बने। पर जो असमर्थ कर रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं, हम उनको भी सिखाना चाहते हैं समर्थन करके कि आप भी समर्थन करिए और हमारे प्रधानमंत्री को सहायता दीजिए। तो आपने सुना अलीराजपुर में CA के सपोर्ट में ये रैली निकली है,
जिसमें लोग ज्यादातर का लगभग सभी लोग सीए का सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। अलीराजपुर जिले की खबरों को देखने के लिए बने रहिए अलीराजपुर लाइव के साथ।